आज हम बनाने वाले हैं चिकन चिल्ली। ये चिकन को सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के पहले डालेंगे थोड़ा सा मैदा, थोड़ा अरारोट, एक टेबल स्पून ऑयल, रेड चिल्ली पाउडर, काली मिर्च पाउडर, अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसमें डालेंगे एक अंडा, थोड़ा सा नमक। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे हाथ से। तो 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम लेंगे थोड़ा सा सॉस, लेंगे रेड चिली सॉस, डार्क सोया सॉस, टोमेटो केचप, टोमेटो सॉस और ग्रीन चिली सॉस, और थोड़ा सा विनेगर लेंगे, थोड़ा एरोरूट और थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये सॉस हमारा ग्रेवी के लिए तैयार है। इसे ठंडे पानी में मिलाएंगे, इसे हम साइड कर देते हैं। और हमारा चिकन जो मैरिनेट होने के लिए दिए थे वो मैरिनेट हो चुका है, तो अब इसे फ्राई करना शुरू करते हैं। डाल करके तेल गर्म हो चुका है, इसे एक साथ बहुत सारा नहीं डालना है। फ्लेम मीडियम रखना है और इसे ब्राउन होने तक तलना है। हमारा चिकन ब्राउन हो चुका है, इसे निकाल लेंगे। तल लेना है। पैन हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक। इसे बस एक मिनट पकाना है। इसे हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। कैप्सिकम और प्याज, इसमें डालेंगे थोड़ा नमक, एक मिनट इसे पकाना है। उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सॉस जो हमने पहले सॉस को मिला कर तैयार कर लिया था। डालेंगे थोड़ा पानी, नमक हम डाल चुके हैं इसमें। इसमें डालेंगे थोड़ा सा चीनी बैलेंस करने के लिए। थोड़ा सा इसमें उबाल आने देंगे, फिर हम इसमें डाल देंगे चिकन। तो ये हमारा ग्रेवी वाला चिकन चिल्ली तैयार है। इसे हम थोड़ा सा एक मिनट चलाएंगे। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा बचे हुए जो हरा प्याज है, इस प्रकार से इसे डाल देंगे। ये हमारा चिल्ली तैयार है, चिकन चिल्ली।